हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डीआरडीओ का जो आपका एग्जाम हुआ है 28 सितंबर 2019 को सेप्टेम्बर 9 का, तो वहां पे क्या फिटर के जो कुछ हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पर। उसके बाद भी हमने क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड पर सारे क्वेश्चन नहीं आए, तो इस पेपर पे मैंने लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आज के आपके एग्जाम के डीआरडीओ एग्जाम में फिटर ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन मेरे पास कहाँ। तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि आज का एग्जाम देकर आए थे, उन्हीं से हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और उन्होंने ये सारे क्वेश्चन हमें बताए। और एक घंटे तक लगभग हमने जो है कॉल पे भी बात करी है। तो सभी कुछ कंफर्म होने के बाद हमने कुछ जो क्वेश्चन निकाले, लगभग ये 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। 40 क्वेश्चन ये है, कुछ क्वेश्चन इस पर्चे में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को डिस्कस करने में भी 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारा जो है उससे क्या होता है, जैसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए इस टाइप से कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्वेश्चन सारे समझाऊंगा जो कि आपके डीआरडीओ एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आए थे या कुछ क्वेश्चन मिस है इसमें से, तो आप जो है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है आपको वन क्वेश्चन से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में अक्सर जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। चाहे आप डीआरडीओ को दे लीजिए, डीआरडीओ का आपने दे चुके हैं एग्जाम, और इसरो का है, एनटीपीसी का है, रेलवे का है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री का, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे इसी टाइप के क्वेश्चन को जो है अक्सर पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। इसलिए मैं आपको लिए बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो लेकर आया हूँ। चाहे तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी बना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको बहुत सी वीडियो में समझाया है, और तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम आपको समझाने जा रहे हैं कि सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन अलग अलग सेट बनते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ पे कौन सा नंबर था वो हम नहीं जानते हैं, बट आप ये देखकर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि लेथ सेंटर पर जो लेथ सेंटर पर प्रयोग जो टेपर होता है वो कौन सा होता है। देखिए, लेथ सेंटर पर जो प्रयोग टेपर होता है वो हमारा मोस्ट टेपर होता है, जो कि मोस्ट टेपर हमारा 0 से 7 नंबर में 8 अलग अलग साइज में पाया जाता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, वीडियो का बिल्कुल भी न स्किप के देखिएगा। एंसर रिलेटेड मैं सभी क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा डिटेल्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था, एक इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और ये लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम आई हो, बट इससे रिलेटेड ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कि बीएसपी थ्रेड का एंगल पूछा गया था। चाहे आप बीएसपी का एग्जाम पूछ ले, बीएसएफ का पूछ ले, या बीएसडब्ल्यू का पूछ ले, तो वहां पे जो है 55 डिग्री एंगल उसका माना जाता है, रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके जो मशीनिस्ट का एग्जाम पेपर हुआ था 27 में, वहां पे भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, थर्ड पर क्वेश्चन है कि जो पर ड्रिल करने से पहले आप किस चीज को जो है प्राथमिकता देंगे, या आपको कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो हम वहां पर जो है सेंटर पंच से सेंटर लगा लेते हैं, जिससे हमारा ड्रिल जो हम करें तो हमें पता लग जाए कि हमें यहाँ पर ड्रिल करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ड्रिल किए गए होल का साइज जो है, देखिए आपको क्वेश्चन इसको समझना होगा कि ड्रिल किए गए होल का साइज जो है ओवर होगा, क्वेश्चन स्टार्ट आएगा, तो ओवर किस कारण होगा। देखिए, उस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे तो वहां पे 4-3 ऑप्शन दिए गए थे, लास्ट में ऑल ऑफ अबाउ यानी कि ये सभी दिया गया था, तो वहां पे अलग अलग कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण यह भी है कि लिप्स, ड्रिल का जो लिप्स होता है वह असमान होना, जैसे 59-59 होता है, वो 59-59 होके एक 60 है, एक 50 है, 55 है, इस टाइप से है, तो असमान होगा। कोई बीच में ड्रिल में होल के जब हम होल करते हैं तो थ्रो होल यानी कि कोई इसमें होल आ जाता है, तब वहां पर जो है हमारा असमान बन सकता है होल। तो कई कारण हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है जो बच्चों से हमसे डिस्कस हुआ उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑल ऑफ अबव होगा, यानी कि ये सभी इसका आंसर होगा यदि इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी आया कि गियर टूथ कैलिपर से क्या चेक किया जाता है। देखिए, गियर टूथ कैलिपर से जो दो फ्रेंड्स हमारा जो है कार्डल थिकनेस होती है गियर की, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 0.5 अल्पतमान यानी कि 0.5 जो लिस्ट काउंट होती है वह किस इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो 0.5 लिस्ट काउंट होती है वह हमारी जो आपका स्टील वुड होता है उसकी लिस्ट काउंट होती है। फ्रेंड्स, एक मिनट रुकिए। तो स्टील वुड की लिस्ट काउंट जो है 5.5 मिलीमीटर होती है। चाहे आप जो कैलिपर होते हैं हमारे, उनकी भी लिस्ट काउंट 0.5 होती है। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग इसका आंसर चूज करना होता है, तो वहां पे आप स्टील वुड लगा कर आए हैं तो आपका आंसर सही है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल हम आपको इस वीडियो में नहीं बता रहे, क्योंकि नॉन टेक्निकल का काफी डिस्कस हमें करना पड़ेगा, बट हम अभी आपको टेक्निकल बता रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर अक्सर जो हम टेक्निकल ही वीडियो डालते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन ये भी आया था कि
दोनों पुलियों के बीच की जो दूरी होती है, सेंटर से सेंटर तक की दूरी कितनी रखी जाती है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। तो वहां पे क्या है कि जो बड़ी पुली होती है, एक ड्रिवन होता है, एक ड्राइवर होता है। देखिए ड्रिवन और ड्राइवर, ड्राइवर को द्वारा ड्रिवन को चलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो जो ड्राइवर होता है उसका जो व्यास है, बड़ी पुली के जो व्यास है उसके जो बड़ी पुली का व्यास 3 गुना रखा जाता है ड्राइवर पुली के, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था, तो आपको पता भी होगा यदि आप एग्जाम देखा है। और आपने एग्जाम नहीं दिया है तो अभी आप इस क्वेश्चन को सारे को समझेंगे ना, देखिए देखने का और समझने का, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई समझा पाएगा तो मैं समझाऊंगा, तो आपको डेफिनेटली आगे जो फ्यूचर के लिए आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। चलिए इसका तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि बड़ी पुली व्यास का 3 गुना। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया कि पाइप, 4 पाइप है, उनको यदि आप जोड़ते हैं, पाइप फिटिंग से क्वेश्चन है, तो वहां पे हम क्रॉस वे का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भी हम पाइप को जोड़ते हैं 4 तरीके से। देखिए जो हम क्रॉस इस टाइप से हमें पाइप को जोड़ना है यहाँ बीच में, तो वहां पे हम क्रॉस वे भी बोल सकते हैं, हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं आपके घरों में या आपने कहीं पे ना लगी भी देखी होगी पाइप में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया कि रेलवे ट्रैक में प्रयोग ड्रिलिंग मशीन। देखिये दूर दराज में जब हम रेलवे ट्रैक पर कोई ड्रिलिंग करते हैं तो वहां पे कौन सी ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स वहां पे हम रैचेट बेस्ड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां उसमें जो है ड्रिल चक भी नहीं होता, उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि तो हम उसको स्पेंडल को इसमें लगा देंगे ड्रिल लगाकर, और उसको इस टाइप से हम घुमाते हैं। देख लीजिए आप नेट पर, आप सर्च करके देख सकते हैं रैचेट बेस्ड ड्रिल मशीन जो होती है उसका हम प्रयोग रेलवे ट्रैक पे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डनेंस 50, डीआरडीओ, डीएमआरसी, एनटीपीसी, रेलवे, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वैसे तो। देखिए ये आपको समझ में आ गया रैचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ गई थर्मिट वेल्डिंग का तापमान, थर्मिट वेल्डिंग का टेम्परेचर पूछ लिया गया था। देखिए थर्मिट जो वेल्डिंग होती है उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपको थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इन सभी के टेम्परेचर याद होने चाहिए, चाहे आपकी फिटरेट फिटर है, चाहे मशीनिस्ट है, चाहे टर्नर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें जो है याद रहने चाहिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये 3000 था इसका आंसर, और आर्क वेल्डिंग का यदि क्वेश्चन आता तो वहां पे 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी आया था कि लेथ मशीन पर टर्निंग करते समय क्या घूमता है। तो लेथ मशीन पर टर्निंग करते समय क्या घूमेगा हमें ये देखना होगा। तो लेथ मशीन पर टर्निंग करते समय फ्रेंड्स जो घूमता है, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी जो बनाते हैं लेथ मशीन पर तो वह हमारा जो सिलिंड्रिकल बनता है, सिलिंड्रिकल जो भी हम अक्सर बनाते हैं, तो टर्निंग करते वक्त जो है हमारा जो घूमता, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था। तो आप यदि घुमा जो घूमता हुआ लिख कर आए हैं ऑप्शन में, इस टाइप से होगा कुछ तो आपका आंसर जो है वो सही होगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये भी आया था कि अधिक गति के लिए प्रयोग बियरिंग, अधिक गति के लिए यदि हम प्रयोग बैरिंग कर रहे हैं वहां पे एंट्री फ्रिक्शन बैरिंग का प्रयोग करते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग होते हैं, कोई फ्रिक्शनल बैरिंग होते हैं, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के बैरिंग आते हैं, और फ्रिक्शन बैरिंग में भी अलग अलग टाइप के बैरिंग आते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया कि जॉकी पुली का प्रयोग हम क्या करते हैं। देखिए जॉकी पुली का प्रयोग हम बेल्ट के जो तनाव होता है उसको दूर करने के लिए करते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। तो जॉकी पुली का प्रयोग हम ओपन बेल्ट ड्राइव में करते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव में कैसे करेंगे, जो हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक उसमें ड्रिवन होता है, एक होता है ड्राइवर। तो ड्राइवर ड्रिवन से छोटा होता है, तो इसकी जो बेल्ट होगी वो इस टाइप से इसमें लगी होगी। तो यहाँ पे हम जो ड्राइवर की तरफ, ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा से, तो जॉकी पुली का जो प्रयोग किया था वो ड्राइवर की तरफ हम करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। फिलहाल के लिए इसका आंसर होगा ओपन बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव नहीं लगाना है। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फेराइट और सीमेंटाइट के मिश्रण को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स सीमेंटाइट, ये फेराइट और सीमेंटाइट के मिश्रण को पियरलाइट बोलते हैं। एक पियरलाइट से आता है और एक ऑस्टेनाइट भी होता है, ठीक है। तो पियरलाइट को आपको याद रखना। और एक क्वेश्चन इस टाइप का ये भी आता है कि लोहे और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं, तो वहां पे आप स्टील लगा कराएंगे तो आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आया था कि कौन से रीमर ऐसे होल के लिए उपयुक्त होते हैं जिसके कीवे ग्रुप बना होता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह हेलिकल फ्लूटेड रीमर होगा। तो यहाँ पे ये रीमर के बारे में पूछा है, तो हेलिकल आपको शायद नीचे हो क्योंकि थोड़ा नीचे लिखा है, तो हेलिकल फ्लूटेड रीमर का इसका हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी तक, 15 क्वेश्चन बताए, समझाया भी है। किसी भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। वीडियो आपने यहां तक देख लिया तो वीडियो को सक्सेस लाइक करते चले। और यार मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो मैंने इसमें एक नोट करी थी, मैंने वीडियो अपलोड करी तो मैंने एक मैंने 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश किया था, 2 अनलाइक आ गए थे। यार इस तरह की वीडियो को बनाने में बहुत ही समय, मैं बता रहा हूँ आपको, 4 से 5 घंटे मुझे इस वीडियो को बनाते हुए लग गया, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करना, फिर बोर्ड पर लिखना,
तो बहुत समय लगता है यार, वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट भी किया करें। इसके बाद 15 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 16 क्वेश्चन देखिए। 60 क्वेश्चन कैसा है कि वन ईयर हाई डीएच की लिस्ट काउंट होती है। फ्रेंड्स हमारी जो बुक है उसमें इसमें से सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे। बुक हमारी काफी समय पहले पब्लिश हो चुकी थी, जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस पर लिखी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। बुक का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं और आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से उसको जो है अपने ऑर्डर जो है दे सकते हैं। फ्रेंड्स तो बुक में से बहुत से क्वेश्चन लगे हैं और आपके फ्यूचर में जितने भी एग्जाम हो गए आगे उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते आते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो वन ईयर हाइट गेज की लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होती है। यदि हम वन ईयर हाइट गेज की बात करें या वन ईयर कैलिपर की बात करें वहां पे भी 0.02 चलती है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो इसकी लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होगी। फ्रेंड्स इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है, माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 मिलीमीटर होती है। यदि वन ईयर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पूछ ले तो वहां पे हम 0.00 यानी कि 0.001 मिलीमीटर लगाते हैं। अभी हमारा सिंपल क्वेश्चन यदि माइक्रोमीटर का आता है, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट, तो 0.01 mm लगाना है। यदि वन ईयर जोड़ देता है तो 0.001 मिलीमीटर लगाना है। ये आपको याद रखना होगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया था कि रोट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स रोट आयरन में कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो 0.15% होता है। हमारी बुक में भी दिया गया है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लगभग आपको हमारी बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फ्रेंड्स तो 0.15 नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसे, 0.15%, ठीक है, तो 0.15% जो कार्बन रोट आयरन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। फ्रेंड्स इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 1 इंच बराबर होता है, मिलीमीटर में पूछा गया था। यदि मिलीमीटर में पूछता है तो 25.4 मिलीमीटर होता है, यदि वो इंचेस में पूछ ले तो सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये आप याद रखें, 1 इंच में 25.4, ठीक है, 25.4 मिलीमीटर होता है, 400 भी लिखा सकता है, और सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज ही अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। जिन बच्चों से हमने ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं मेरे साथ, डिस्कस करते करते ही उनके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि बहुत ही इजी थे यार। तो आप इजी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखे करें, इजी क्वेश्चन को आपको कभी गलत नहीं करना है। फ्रेंड्स हम अपने आते हुए क्वेश्चन यदि एक भी गलत कर देते हैं तो हम अपने मेरिट को जो है नीचे कर देते हैं, 1000-2000 बच्चे के हम नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है और बहुत से बच्चे, सभी बच्चे पढ़ते हैं आज के डेट में। तो आपको अपने क्वेश्चन आते हुए कभी गलत नहीं करने हैं। सो फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। इसके बाद हम एक क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर में रेफरेंस। क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग टाइप से आया था लेकिन पूछना ये चाह रहा था। तो क्वेश्चन है कि 21 ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर में रेफरेंस सतह प्रदान करती है। जब हम कभी वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर से आपने चलाया होगा या नहीं चलाया होगा तो मैं आने वाले वीडियो में आपको वन ईयर बेवल प्रोट्रैक्टर भी चलाना सिखाऊंगा कि उससे हम कोण कैसे चेक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कोण चेक करने के लिए। फ्रेंड्स तो वह हमारा उसमें स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक की सहायता यानी कि स्ट्रोक से इसको सपोर्ट किया जाता है जब भी हम कभी किसी चीज का एंगल चेक करते हैं। फ्रेंड्स 20 भी क्लियर हुआ। इसके बाद 21 देखिए, वर्गाकार होल यानी कि स्क्वायर होल में प्रयोग फाइल, स्क्वायर होल में स्क्वायर फाइल का हम प्रयोग करते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। फ्रेंड्स इसका भी क्लियर हुआ। इसके बाद 22 क्वेश्चन देखे हैं कि कम मात्रा में धातु को काटने के लिए, यदि हमें कम मात्रा में कोई भी धातु यानी कि मेटल को काटना हो तो हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन याद रखें कि फाइल द्वारा धातु को किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, फाइल द्वारा धातु को काटा जाता है, घिसा नहीं जाता, रगड़ा नहीं जाता, ये आपको याद रखना है। तो फाइल द्वारा धातु काटी जाती है, जैसे कि हेक्सा ब्लेड्स विद फ्रेम से हम धातु काटते हैं वही प्रक्रिया हम फाइल से की जाती है, फाइल के द्वारा धातु को काटा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 23 क्वेश्चन, डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, डबल कट फाइल का प्रयोग हम स्टील पर करते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि हैंड फाइल, हैंड वाइज में प्रयोग नट, हैंड वाइज में जो प्रयोग नट होता है वह हमारा विंग नट होता है, जिसको फ्लाई नट भी बोलते हैं। यही नट हमारा हेक्सा जो ब्लेड होता है, हेक्सा फ्रेम में भी प्रयोग किया जाता है। विंग नट का प्रयोग इसलिए करते हैं आसानी से, जल्दी से हम उसको खोलें और कस भी सकें, टाइट और खोलने के लिए विंग नट का प्रयोग करते हैं। तो हैंड वाइज आप सबने देखी होगी, हैंड वाइज का प्रयोग चाबी जो बनाते हैं उनको प्रयोग करते हैं, छोटी सी वाइज होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो इसकी इमेज आप अपनी बुक्स या अपनी नेट पर जो है आप सर्च करके देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन, गन मेटल, गन मेटल वेरी इंपॉर्टेंट मेटल है, गन मेटल में होता है तो कॉपर, टीन व जिंक होता है, जिसमें कि हमारा कॉपर 88%, टीन 10% और जिंक जो है 2% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन मेटल का अलग अलग टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गन मेटल में होता है कॉपर, टीन, खालिस्तान, तो वहां ऑप्शन में आपको जिंक मिलेगा और भी अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि गन मेटल में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था।
तो कॉपर टीन व जिंक हमारा उसमें मिला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का भी आया था कि ब्रास, मैंने शॉर्ट में लिखा है ब्रास मिश्रण है, ब्रास होता हमारा पीतल, पीतल जो है हमारा कॉपर व जिंक का है, आपको ये याद रखना है, ऑप्शन में आपको कॉपर व टीन भी मिलेगा। तो ब्रास जो है हमारा कॉपर व जिंक का है, देखिए ब्रास यानी कि पीतल, तो पीतल होता है हमारा कॉपर व जिंक, ये आपको याद रखना, ऑप्शन में कॉपर व टीन भी मिलेगा, वो गलत हो जाएगा आपका आंसर, कॉपर टीन लगा रहे हैं तो कॉपर व जिंक मिला होता है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आया था 27, देखिए कि पाइप और नट को कसने में प्रयोग किया था, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन है कि पाइप और नट को कसने में प्रयोग करेंगे, वहां पे ऑप्शन में रिंच दिया गया था, ठीक है, और दो तीन ऑप्शन थे, स्पैनर भी दिया गया था आई थिंक, तो रिंच जो दिया गया था वो हम पर आंसर सही होगा, जैसे कि पाइप रिंच होते हैं तो पाइप को भी खोल कर सकते हैं, नट को भी खोल कर सकते हैं, बाकी इस पे मुझे भी थोड़ा डाउट है, ऑप्शन बच्चों को क्लियर नहीं थे, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक 28 क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन क्या है कि सोल्डरिंग आयरन का टिप बना होता है, जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका टिप हमारा कॉपर का बना होता है। फ्रेंड्स सोल्डरिंग आयरन बहुत सी जगह होता है, सोल्डर पेस्टिंग करने के लिए इलेक्ट्रीशियन विभाग में भी प्रयोग करते हैं, तो उसका जो टिप होता है वह हमारा कॉपर का बना होता है, तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद 29 क्वेश्चन, स्प्रिंग वाशर का प्रयोग, इस टाइप से क्वेश्चन भी आया था, स्प्रिंग वाशर का प्रयोग कंपन या आप झटके को सहन करने के लिए लिख सकते हैं, या ऑप्शन में मिल सकता है आपको, तो कंपन वगैरह सहन करने के लिए स्प्रिंग वाशर का हम प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था 30, देखिए माइक्रोमीटर का थिम्बल एक चक्कर में घूमता है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया था, डिस्कस हमने किया था, तो वो हमारा 0.5 मिलीमीटर घूमता है, यानी कि 0.50 भी आ सकता है लिखा हुआ, तो जब देखिए जो माइक्रोमीटर का है थिम्बल उसको हम ऐसे एक बार चक्कर घुमाते हैं तो 0.5 बढ़ता है, वो बढ़ता इसलिए उसको जो स्पिंडल होता है अंदर उसकी जो पिच होती है स्पिंडल पर थ्रेड की जो पिच होती है वो 0.5 मिलीमीटर होती है, तो 0.5 मिलीमीटर होगी तो हम एक चक्कर में हमारा वो 0.5 मिलीमीटर आगे जाता है, तो माइक्रोमीटर से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसका रैचेट स्टॉप के बारे में पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, रैचेट स्टॉप का प्रयोग जो लास्ट में होता है माइक्रोमीटर पे, हमने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसको वीडियो को देख सकते हैं, माइक्रोमीटर कैलिपर की वीडियो हम बना चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन हमने पहले की अपनी वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, आपने देखी भी होगी, तो वहां रैचेट स्टॉप की बात करें तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। इसके बाद 30 क्वेश्चन हुआ, 31 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बोर का गेज का प्रयोग, देखिए बोर गेज का प्रयोग बच्चे कंफ्यूजन है, अरे बोर गेज लिखा है वो क्वेश्चन में, बोर गेज का प्रयोग हम जो है अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए करते हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपनी बुक नोटबुक में या नेट पर सर्च कर सकते हैं, यदि बोर गेज लिखा था बच्चे, इसमें भी हमें डाउट है क्या क्वेश्चन क्लियर नहीं था, बट बोर गेज सब कुछ बताया था हमें, तो अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जॉब को सही माप करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, देखिए जॉब को हमें माप चेक करनी हो, मास प्रोडक्शन की हम बात करें तो वहां पे गेजों का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चन मैंने साइड में लिखे हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, और तो साइड में भी हमने लिख दिए, जहां तक मुझे जगह मिली मैंने वहां क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट जो हमारे मैंने पेपर लिखा हुआ इसमें भी बहुत से क्वेश्चन है, वीडियो को कंटिन्यू देख रही है, काफी क्वेश्चन आपको आज याद हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 33, देखिए ब्लैकलैश से, मैंने सुना है कि ब्लैकलैश से भी एक क्वेश्चन आया था कि ब्लैकलैश होती है, देखिए गियर में होती है, जब दो गियर आपस में मैच करके चलते हैं तो वहां पे क्या है कि उनकी जो प्ले होती है वह हमारा ब्लैकलैश कहलाती है, ठीक है, तो उसका अगर ऑप्शन में इस टाइप से था तो उसका जो है ये आंसर होगा ब्लैकलैश, यानी कि दो गियर को जो मैश करके चलते हैं वो हमारी प्ले ही ब्लैकलैश कहलाती है, बैकलैश, ठीक है। इसके बाद एक किस बियरिंग में अक्षय थ्रेड के साथ रेडियल लोड जो है सहन करता है या चलता है उसके साथ, तो वो हमारा एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग होता है, ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी दिया गया, लगभग सभी क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे फ्रेंड्स, और इनसे रिलेटेड हमने बहुत सी वीडियो अपनी चैनल पर डाली हुई है, यदि आपने इन्फोटेड यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मुझे ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, बहुत से बच्चे कमेंट करते रहते हैं तो आप इस वीडियो में जरूर बताएं मुझे, जिससे कि हम एनालिसिस करके जो है उस पर हम काम स्टार्ट कर दें, बाकी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया गया है, चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इन्फोटेड, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। 30 क्वेश्चन ये भी आया था कि बड़े वर्थ की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, बड़े वर्थ की मार्किंग के लिए हम ट्रैमल का प्रयोग करते हैं, मैंने आपसे बहुत पहले भी काफी बार बताया है कि बड़े से बड़ा वर्थ यदि हमें लगाना है वहां हम ट्रैमल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स यदि आपने ट्रैमल नहीं देखा तो आप अपनी नोटबुक या अपने नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, हमारी बुक भी पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया कि 36 देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में पूछा था कुछ, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो हम प्रयोग करते हैं जो पिच है उसको जांचने के लिए हम कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि एंगल प्लेट में जो उसके जो स्लोट बने होते हैं वो किस लिए होते हैं, तो एंगल प्लेट में जो स्लोट कटे होते हैं वह बोल्ट को स्थान देने के लिए होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जॉब को क्लैंप करने के लिए, तो वहां पे ऑप्शन थोड़े क्लियर नहीं थे,
तो बाकी एंगल प्लेट का जो हम जो एंगल प्लेट से मैंने आप वीडियो बनाई है, अभी आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। एंगल प्लेट में वी ग्रूव जो उसमें ग्रूव कटे होते हैं, सलोटे कटी होती है, वह हमारा जॉब को क्लैंप करने के लिए होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 38 किस धातु पर लुब्रिकेंट प्रयोग नहीं होता। देखिए ये जनरल क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस धातु पर हमारा जो है लुब्रिकेंट प्रयोग नहीं होता या कटिंग ऑयल प्रयोग नहीं होता। तो वहां पे हम जो है सीआई यानी कि कास्ट आयरन का ऑप्शन है तो लगा सकते हैं, कास्ट आयरन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन ये लिखा है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मशीनेबिलिटी सुधारने के लिए आप कौन सी क्रिया करते हैं। मशीनेबिलिटी सुधारने के लिए हम एनिलिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो किसी भी धातु या पार्ट्स को मशीन योग्य बनाने के लिए हम एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग करने का एक पूरी क्रिया है और एनिलिंग से क्वेश्चन ये भी आता है कि हम एनिलिंग क्रिया में जब जॉब को ठंडा करते हैं या तो उसी जो हम फर्नेस होती है भट्टी होती है उसमें उसको टेम्परेचर में ही बंद करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा होता है वो, हमारा एनिलिंग की प्रोसेस होता है, या फिर राख चूने में दबा देते हैं वो भी हमारा एनिलिंग का प्रोसेस है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। और एक क्वेश्चन लास्ट में देखिए, हमने थोड़ा आपको साइड में लिखा है, छोटा करके लिखा है, एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन होती है उससे कितने एमएम तक का पाइप को मोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आता है। तो 75 मिलीमीटर यदि आप लगा कर आए हैं तो आपका आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स ये सभी मैंने आपको 40 क्वेश्चन लगभग बताए जो आपके एग्जाम में आज के आए हैं। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन रह गए क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ गया था, मैं दोबारा मिटा के लिखूंगा, काफी समय लग जाएगा। मैंने बताया आपसे तीन से चार से पांच घंटे लगते हैं एक वीडियो को बनाने के, इस टाइप की वीडियो को। तो और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन रफली मैंने लिखे थे, उसके बाद बोर्ड पे लिखे, बोर्ड पे मैंने इसलिए लिखे हैं कि मैं आपको समझा सकूं। यदि मैं आपको समझा ना सकूं तो वीडियो का कोई फायदा नहीं है और आपको समझ ना आए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ शेयर भी करके चले। सो फ्रेंड्स इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए हमने आपको 40 हमने आपको बता दिया, तो मैं यहाँ एक लाइन मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये दो लाइन में मिटा रहा हूँ कि हमने आपको कितने क्वेश्चन बताए। देखिए बच्चे फिर भी कहेंगे कि सर आपने इतने बताए, आपने इतना बताए थे वीडियो में। देखिए 41 आपको 40 तक बता दिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, इसके बाद हमने ट्रैवल का आपको बता दिया हैंडवाइज का। देखिए तो इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फिनिशिंग सतह को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। फिनिशिंग सतह कैसे, देखिए 90 डिग्री पर कोई जॉब है हमारा तो ये हमारी फिनिशिंग सतह है, सिर्फ सरफेस है, यहां से हमें फिनिशिंग करना है किसी भी फाइल से। तो फाइल कौन सी प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम सेफ इंच फाइल का प्रयोग करते हैं। सेफ इंच फाइल मतलब ऑप्शन में हैंड फाइल था, हैंड फाइल का ही दूसरा नाम है सेफ इंच फाइल। उसके एक इंच पे दांत नहीं होते तो हम यहां से उस पर फिनिशिंग करेंगे तो ये हमारी सरफेस बची रहेगी क्योंकि उससे एच पे दांत नहीं होते। तो 40 क्वेश्चन होता है, मैं यहां लिखता रहूंगा दोस्तों जिससे कि आपको कंफ्यूजन है। 41 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 14 point something करके कुछ दिया गया था, 14.6 something दिया गया था, तो ये किससे चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, हमें डाउट है कि क्लियर क्वेश्चन नहीं है। आपको यदि पता है इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए जिससे कि और बच्चों को पता लगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसका पूछा गया था कि किस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उसका माइक्रोमीटर होगा, वो आप मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आदि 6-7 था 6-8 था क्या था मुझे बताइए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया क्लियर। इसके बाद 42 मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का मैंने आपको बताया, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का बता दी। चलिए और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये आया था कि क्लच का प्रयोग हम करते हैं, तो क्लच का जो प्रयोग होता है बिना रोक के स्पीड को जो है बिना रोक के जो है इसका एक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिना रोक के हम जो है क्लच को बदल सकते हैं, ये इस टाइप का कुछ एग्जाम में था। तो यदि आप इस टाइप से देखिए रोकने के बाद नहीं लगाना है इसमें, बिना रोक के हम स्पीड को बदल सकते हैं, इस टाइप का ये ऑप्शन में था तो वो क्लियर होगा। ये 43 मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए या फिर आप याद रखे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। आप सिर्फ मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, बड़ी मेहनत लगती है लिखने पर। तो एक क्वेश्चन और क्वेश्चन जो मैं लिख नहीं पाया बोर्ड पर, देखिए और क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये आया था कि छत निर्माण में ग्रूविंग ग्रूव जॉइंट कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर जो हम छत जो निर्माण में यदि हम प्रयोग करते हैं तो वह हमारा जो है सिम ग्रूव डबल जॉइंट ऐसे कुछ ऑप्शन में था। यदि आप इस टाइप से क्वेश्चन लगा कर आए हैं तो वहां पे ग्रूव डबल ग्रूव सिम जॉइंट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन ये आता है छत निर्माण में हम जो कार्य के लिए ऐसे कुछ था, यदि ऑप्शन में आप लगा कर डबल ग्रूव सिम जॉइंट लगा कर तो वो आपका सही होगा। 43 हुआ, 44 भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में इधर उधर हो सकते हैं ऊपर नीचे, बट आया था इस टाइप का क्वेश्चन, मुझे भी बताते रहे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मशीनों के जो है तो बोल्ट के बारे में पूछा गया था, मशीन को जो हम फाउंडेशन वगैरह करते हैं तो कौन से बोल्ट का प्रयोग करते हैं, वहां पर रैक बोल्ट था सभी यदि ऑप्शन में तो वो आंसर सही होगा।
45 भी मैंने आपको बता दिया। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं इसलिए नंबर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ ये क्वेश्चन था नहीं था। रैग बोर्ड से कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद एक जो हमारा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि डाउटेल टेपर हम जो चेक करते हैं वो किस टाइप से चेक कर सकते हैं। देखिए वो जो हम डाउटेल टेपर जो चेक करते हैं वो रोलर और स्लिप गेज के द्वारा हम उसकी जो हाइट या विड्थ को हम चेक कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। यदि ऑप्शन में ये था, नहीं था तो मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं क्वेश्चन। 46 ये था डाउटेल वाला, ठीक है आप याद रखें। इसके बाद और क्वेश्चन था कि एल्युमिनियम अयस्क से कुछ क्वेश्चन आया था। एल्युमिनियम अयस्क जो है बॉक्साइट नामक अयस्क से बनाया जाता है, और लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिससे कि और बच्चों को पता, लेकिन मुझे बताएंगे तो और बच्चों को पता लगेगा, क्योंकि बच्चे सब कमेंट पढ़ते हैं तो उससे थोड़ी जानकारी मिलती है। तो यदि एल्युमिनियम का अयस्क से कुछ क्वेश्चन आया था तो आप नीचे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूँ तो कुछ आप भी लिखिए। 47 मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसा आया था, माइटर गियर का शायद आई थिंक कुछ क्वेश्चन आया था। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि माइटर गियर में जो है जो गियर का जो उसका संबल होता है वो कैसा होता है। तो माइटर गियर में एक दो गियर होते हैं, एक ऊपर होता है, लेकिन इस टाइप का माइटर गियर होता है, छोटा बड़ा होता है इस टाइप के, और यहाँ पे जो छोटा एक गियर होता है, ठीक है इस टाइप का माइटर गियर होता है। 47 भी हो गया, 48 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मुझे आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये हो गया इधर से क्लियर, और इधर से एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया सब क्लियर। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये आया था, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि कौन सा नट जो है हेक्सागोनल प्रकार का नहीं है, ठीक है। यदि नहीं है पूछा जाता है हेक्सागोनल और प्रकार का नहीं है, तो अभी ऐसा क्वेश्चन था आपके उसमें क्या नाम है पेपर में, डीआरडीओ के पेपर में, तो वहां पे कैपस्टन नट यदि था तो राइट आंसर होगा। और यदि क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कि हेक्सागोनल नट भी है और उसमें स्लिप पिन भी लगाई जा सके, तो वहां वो कैसिल नट होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, यदि वो पूछता है कि कौन सा नट हेक्सागोनल प्रकार नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि उसमें कैपस्टन नट था तो वो राइट आंसर होगा। तो 48 हो गया क्लियर। इसके बाद मैंने आपको 49 क्वेश्चन भी बता दिया है, याद याद रखें ये कैपस्टन नट वाला है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो आप याद रखें, ये लगा कर आए हैं तो आंसर आपका सही हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक आया था जिब हेड टेपर की का अनुपात पूछा था गया था, जिब हेड की का टेपर ये हमारी बुक में भी दिया गया, 49 हुआ क्लियर। इसके बाद मैंने आपको 50 क्वेश्चन बता दिया है, 50 क्वेश्चन जिब हेड की से आया था। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन से बेयरिंग धातु जो कम भार तथा कम स्पीड के लिए प्रयोग होते हैं, कम भार कम स्पीड के लिए कास्ट आयरन के हम बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। 50 के बाद मैंने 51 भी आपको क्वेश्चन बता दिया, ये बताया मैंने आपको बेयरिंग से रिलेटेड, कम बेयरिंग जो है धातु को कम भार तथा कम स्पीड पर प्रयोग करती है। फ्रेंड्स वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी होगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं डिटेल में, इसलिए लंबी हो रही है वीडियो। चलिए 51 क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी तक। इसके बाद और जो क्वेश्चन फ्रेंड्स रह गए थे इस लिखे हुए, तो ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। ये एक क्वेश्चन प्राकृतिक बहुलक से आया था, प्राकृतिक बहुलक में उसमें आपको कोयला दिया गया था, सोना शायद दिया गया था, तो प्राकृतिक बहुलक मेरे हिसाब से जो बच्चे ने ऑप्शन मुझे बताया था तो वह हमारा कोयला हो सकता है आंसर। तो प्राकृतिक बहुलक वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया है 52, ठीक है मुझे भी याद रहेगा कि बच्चे आप कमेंट करते हैं तो इससे थोड़ा याद रहेगा। 52 प्राकृतिक बहुलक से था, वो आपके ऑप्शन में कोयला था, तो आपका राइट आंसर हो सकता है मे बी। चलिए और क्वेश्चन आपका जो रह गया मेरे यहाँ पे लिखे हुए जो आपका डाया, देखिए सेंटर ड्रिल का साइज निर्भर करता है, ये क्वेश्चन भी आया था कि सेंटर ड्रिल का साइज निर्भर करता है, सेंटर ड्रिल का जो साइज निर्भर करता है वो जॉब के डायमीटर पे या डाया पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा 52 के बाद 53 क्वेश्चन मैंने आपको सेंटर ड्रिल का बताया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मॉड्यूल बराबर होता है, तो मॉड्यूल बराबर 1/अपॉन में डायमीटर ऐसी कुछ था, तो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन था आपका 53 के बाद 54, ये मैं आपको बता दिया 54 क्वेश्चन मॉड्यूल वाला था कि 1/अपॉन डायमीटरल थिकनेस ऐसे कुछ ऑप्शन में थे, बच्चों को क्लियर नहीं थे। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ऑप्टिकल फ्लैट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फ्लैट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फ्लैट से हम आपको 55 क्वेश्चन बता रहे हैं। ऑप्टिकल सिद्धांत हमारा प्रकाश के विविध, तो ऑप्टिकल जो
ऑप्टिकल फ्लैट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के विवर्तन विवर्तन ऐसे कुछ था ऑप्शन में, वो उस पर डिपेंड करता है ऑप्टिकल फ्लैट का। तो 55 ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। इसके बाद फ्रेंड्स और क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं ये तो लगभग फ्रेंड्स मैंने आपको अब आपको सब कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से और भी क्वेश्चन है लेकिन वो क्लियर नहीं है तो मैं उन्हें नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जब मुझे ही वो क्लियर नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे फ्रेंड्स। तो लगभग मैंने आपको ये बता दिए हैं क्वेश्चन, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन हो गए। इंडिकेट हार्डनिंग, हाँ एक क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। 56 क्वेश्चन है कि फ्री स्केल प्राप्त होता है, फ्री स्केल ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है, फ्री स्केल जो हमारा मिलता है वो इंडक्शन हार्डनिंग में मिलता है फ्री स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्री स्केल सतह जो बनाई जाती है वो इंडक्शन हार्डनिंग में बनाई जाती है। तो 56 क्लियर। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स ये भी हो गए क्लियर, मशीन एलिवेटी हो गया। हाँ तो 56 लगभग 60 तक के क्वेश्चन हमने लिखे थे। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने कितनी मेहनत करी है, देखिए ये पूरा लिखा इस पर, फिर बोर्ड पर लिखा, आपको समझाया डिटेल्स में, 30 मिनट से ऊपर आई थिंक वीडियो हो चुकी होगी। और इस टाइप की वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, और आप यदि हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो यार देखो हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करें। और आप मुझे बताएं आप नीचे कि आपके कितने मार्क्स जो बैठ रहे हैं, टेक्निकल बताएं आप नॉन टेक्निकल दोनों बताएं, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन बताए हैं। और अब थोड़ी दिनों बाद, एक दो दिन बाद या ये अपनी आंसर की भी लॉन्च कर देंगे, आपकी जो टेस्ट पूरा का पूरा सेट है वो आपकी मेल आईडी या लॉगिन पैनल पर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आए थे एग्जाम में आपके। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, और आप जो है नर्वस ना होइए कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया या कुछ आप गलती कर रहे हैं। देखिए आप अपने एग्जाम की जो गलती करके रहे हैं, बहुत से बच्चे हो सकते हैं ऐसे, तो आप अपने हर एग्जाम से कुछ ना कुछ सीखते चलिए, वो आपके काम आएंगी। क्योंकि हम जो भी देखिए, मैंने आप एक कविता भी है, मैंने बहुत कविताएं दोस्तों पढ़ी हैं, जैसे मैं लिख भी चुका हूँ कविता, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपने पढ़ी होगी कविता, तो कोशिश करते रहिए आप यदि आपको लगता है कि हाँ आप में कमी है। देखिए क्या कमी रहेगी, देखें और सुधार करें अपनी कमी में। यदि आप अपनी कमी को दूर नहीं करेंगे तो आप सक्सेस तक कैसे पहुंचेंगे। तो आपकी जो यदि लगता है कि आप में यहाँ कमजोर है, बहुत से आईटीआई के बच्चे, देखिए क्या होता है कि आईटीआई के बच्चे नॉन टेक्निकल बहुत कमजोर होते हैं, मैंने बहुत नोट कराया है बच्चों में, वो टेक्निकल पे फोकस रखते हैं, नॉन टेक्निकल उनकी कमजोर हो जाती है, तो वहीं वो थोड़ा सा मार खा जाते हैं और कम मार्क्स ले पाते हैं, मेरिट लिस्ट में भी बहुत मुश्किल से उनका आना होता है। तो यार आप अपने टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पे फोकस भी रखें, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं ऐसे, मैंने भी सर्च करे हैं, तो वहाँ अच्छी अच्छी जो है टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल क्लासेस चलती हैं, मैथ साइंस रीजनिंग पे भी आप फोकस रखें। आजकल बहुत सारे फंडामेंटल बन गए हैं रीजनिंग के सोल्व करने के, और आपके मैथ के सोल्व करने, एक एक सेकंड में दो दो सेकंड में आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन आए थे जो कि हम क्लियर नहीं कर पाए, और नॉन टेक्निकल भी बहुत से क्वेश्चन आए थे करंट से, जीके से, रीजनिंग से, तो हम अपने जो है नॉन टेक्निकल आपको हमने नहीं बताया है, टेक्निकल बताया है, जितने हमें आते थे उतने बता दिया है। तो आप जो है नॉन टेक्निकल की तैयारी करें यदि आपकी तैयारी नहीं है, तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स मैं थक चुका हूं, तो अब नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।